हेलो जी, प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। प्रियंका की तरफ से आज मैं बना रही हूँ दही वाला पनीर की सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बनाना बहुत ही आसान है, तंदूरी जैसा इसका टेस्ट आता है। तो चलिए बना लेते हैं दही वाली पनीर की सब्जी, और गारंटी है कि आप लोग इसे खाइएगा तो दो रोटी के जगह पे 3-4 रोटी तो खा ही लीजिएगा। तो यहाँ पे लेना है सबसे पहले मसाला। तो यहाँ पे लिया है 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च की पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच लिया है कश्मीरी लाल मिर्ची। यहाँ पे मैं ले रही हूँ दही, तो ताजी और गाढ़ी दही का यूज करना है। तो लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने दही लिया है। अब इसे अच्छे से मसालों में मिक्स करूंगी। अगर दही पतली होगी तो उसे छान कर तभी इसमें रखनी है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे मैंने क्यूब में काट लिया है। तो मसाले में दही को और पनीर सभी को अच्छे से मिला लेनी है। तो इसे मैं रेस्ट पे नहीं रखूंगी, इसे मैं तुरंत बनाऊंगी। ये पनीर मैंने घर पर अपने से खुद बनाया है। तो इस तरह से पनीर घर पर तैयार करने के बाद रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें रखना है जीरा, 1/2 चम्मच जीरा है, 1/4 हींग पाउडर है। जब सभी चीज अच्छे से चटक जाए तब इसमें रखनी है प्याज। तो प्याज यहाँ पे मैंने बड़े साइज के 2 लिए हैं, इसे छोटा छोटा मैंने काट लिया है। अब इसे मैं भूनूंगी। इसमें रख दूंगी मैं सूखा लाल मिर्ची, तो लगभग 6 से 7 रख देनी है सूखी हुई लाल मिर्ची, और साबुत ही रखनी है। मतलब मिर्ची को तोड़ना नहीं है, नहीं तो बहुत तीखा बन जाएगा। तो साबुत रखने के बाद अच्छे से इसे भून लेना है। तो जब प्याज इस तरह से भून के तैयार हो जाए तब इसमें रख देनी है टमाटर। तो यहाँ पर 2 टमाटर को मैं छोटा छोटा काट के रख देती हूँ। अब अच्छे से इसे मिलाते हुए भून लूंगी इसे भी थोड़ी देर के लिए। तो हल्का सा चम्मच से दबा देंगे तो ये भून जाएगा अच्छे से, और मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी रख दी हूँ। यहाँ पर अब दही वाला इसे डाल देना है मिक्सचर को। तो ये मिक्सचर को मतलब इसी तरह से गाढ़ी रहनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा भी पानी जैसा नहीं रहना चाहिए। और इसको मतलब 1 चम्मच से सारे मसाले को हम रख देते हैं पैन में, पानी नहीं रखनी है। तो इस तरह से निकालने के बाद अच्छे से इसे मिलाते हुए बस लगभग 1/2 मिनट के लिए मिलाना है, ज़्यादा देर इसे नहीं मिलाना है। उसके बाद गैस को एकदम धीमा रखना है, इस पर लगा देनी है ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद इसे 5 मिनट तक पकने देना है। तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। बीच में एक बार आप चला सकते हैं इसे। तो यहाँ पर लगभग 5 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है, और ये देखिए तैयार हो चुका है। तो बीच में मैंने एक बार चला दिया था, नहीं तो तले से लग जाता है। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। दही वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, और मतलब इसे बनाना भी आसान है और मज़ेदार होती है। अब यहाँ पर क्या करना है, धनिया पत्ता रख देनी है थोड़ी सी कटी हुई, और कटा हुआ हरी मिर्च रख देती हूँ। तो लगभग मैंने यहाँ पर 2 ही लिया है। आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो 3-4 भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेनी है, और ये तैयार हो गई है दही वाली पनीर की सब्जी। गैस को बंद करना है और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। इसे आप रुमाली रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, मैदे वाली पूरी के साथ खाएं, या फिर गेहूँ की रोटी के साथ खाएं, सभी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।